टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी के दौरान मुंब्रा के कालशेखर अस्पताल को कोविड 19 यानी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मनपा ने घोषित किया था। उस वक्त सबसे ज़्यादा कालशेखर अस्पताल में जो डायलिसिस के पेशेंट थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त रहमानिया अस्पताल और अन्य ऐसे कई अस्पताल थे जो डायलिसिस के मरीजों के लिए वरदान साबित हुए और डायलिसिस मरीज यहां पर अपना डायलिसिस करवाए। मगर अब मुंब्रा में कोरोना से काफ़ी राहत है, मगर अब ठाणे महानगर पालिका ने कालशेखर अस्पताल को नॉन कोविड घोषित किया है, यानी कि अब इस अस्पताल में कोरोना मरीजों को छोड़कर अन्य मरीजों का इलाज होगा। कालशेखर अस्पताल की CEO आफरीन सौदागर ने जानकारी दी है कि कुछ कोरोना मरीज अभी भी ICU में हैं। अनुमानित समय यानी 28 अगस्त के बाद डायलिसिस और अन्य मरीजों के इलाज के लिए कालशेखर अस्पताल को खोल दिया जाएगा। आफरीन मैडम, क्या आपके हॉस्पिटल का क्या लेटर जारी हुआ है, क्या कोविड 19 से हटा दिया गया है? जी, कल सुबह हमको 9:30 बजे TMC से फ़ोन आया था कि कालशेखर हॉस्पिटल को जो है अभी नॉन कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है, जिसका लेटर कमिश्नर साहब ने साइन किया हुआ है, तो आप आके कलेक्ट कर लीजिए। उस लेटर के हिसाब से कल से नॉन कोविड कल से जो है कालशेखर हॉस्पिटल नॉन कोविड कर दिया गया। अभी पेशेंट है हॉस्पिटल में? जी, अभी तकरीबन 20 पेशेंट्स हैं जो एडमिट है, उनको डिस्चार्ज करने बोला गया है। उसके बाद हॉस्पिटल को फ्यूमिगेट करके पूरा डीप क्लीनिंग करवा के फिर नॉन कोविड के लिए ओपन किया जाएगा। जो पेशेंट अभी है कोरोना के, तो क्या वार्ड में है या ICU वार्ड में? अभी जो पेशेंट है वो सारे ICU के पेशेंट्स हैं। अन्य जो अन्य मरीज आएंगे तो वो कब तक हॉस्पिटल में मतलब उनकी एडमिट कर सकेंगे आप लोग? हमारे हिसाब से और 8 दिन में इंशाल्लाह हम लोग एडमिशन शुरू कर देंगे। तो तकरीबन आज 20 तारीख है, 28 तारीख से हम नॉन कोविड के एडमिशन लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो आपके यहाँ डायलिसिस होता था, जो बहुत से मरीज आते थे, तो उनके लिए भी क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी? जी, डायलिसिस की सर्विसेज वैसे ही चालू रहेंगी, जो योजना के अंतर्गत जो भी पेशेंट्स हैं उनका इलाज जो है योजना के अंतर्गत ही होगा। जो फिफ्थ ऑफ मे को हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजेश टोपे, उन्होंने जैसे अनाउंसमेंट किया था कि योजना में अब वाइट राशन कार्ड भी शामिल किया गया है, तो ये सुविधा वाइट राशन कार्ड वालों के लिए भी होगी। 31 अक्टूबर तक की डेट दी गई है।